अलैकुम नाज़रीन, करंट अफेयर्स लाइव शो हाले वाले तुम सभी के खुश आमदीद भली का। नाज़रीन, जून जो महीनो वो महीनो हों जैसे असाजे मुल्क में असा वफाक हुए या सूबाई सतह से सूबा हुए उसे इंदर माली साल बजट जो तैयारियों कहें वक्त तकरीबन वफाक जो बजट की जो हतमी शिकिल भी दई छी उनकी मंजूरी भी दई चुको है। अज वफाक तरफा खजाने जो वजीर मोहम्मद औरंगजेब 4 बजे जो बजट पेश कर रहा है। बिल्कुल ये अगर अस सिंध से नजर विजूँ तो सिंध की बजट भी जो तकमील के आखिरी मरहल से तो पहुंची चुकी है। बस हाँ उ डेट जी वेंदी 13 या 14 जून में कें भी एक तारीख से जो सिंध की बजट पेश कई वेंदी। ए बजट में जिन गाल ख्याल रखो वो इो आवाम के वध में वध सहूलतूँ कि फराम कई वन आवाम के रिलीफ कें पहुँचाया वे माशी अंगन अखर के अस ठोसी कल इक्तिसादी सर्वे हुए या मॉनिटरिंग पॉलिसी हुए उनमें काफ़ी बेहतर शूं अस नजर भी आयो बुधाई भी व्यूं तो असि मतलब पैं जो ब्याज की शर वह 1.5% घटाई वही इन अलावा माशी सुधार के करे वक्त हुकूमत कदम खड़ी रही है उन माशी सूरत हाल बेहतरी या भी वही रही है। हाँ इन सभी शयन के बजट में क्या मैनेज किया वो है जो अना सुधारा उवाम की लाइफ में भी नजर अचन। अज अस लाइव शो हाल अहवाल में इन हवाले से भी ईंदी गुड़ गुड़ सिंध में जी तरक्याती मनसूबा हली रहा उनमें जो सिंध हुकूमत कड़ा कदम खड़ी रही है उनमें सुधार के लिए उन हवाले से भी ईंदी असा गड मोसिस मेहमान मौजूद हैं तारुफ कराइंदी हल मोहम्मद यूनुस सुमरो असा गड हैं फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं KCCI जहाँ। अस्सलाम वालेकुम यूनुस सुमरो साहब, क्या हो तुम साई जिन से गड हसन नासिर सिद्दीकी साहब असो सहाफ़ी हैं तजिया निगार हैं। अस्सलाम वालेकुम हसन साहब, क्या हो तुम। अच्छा यूनुस सुमरो साहब, जी तो कल अस पीएम साहब भी जो ये गाल कई शहबाज शरीफ तो इन वक्त हुकूमत की कोशिश यह है तो जितनी भी माशी दुखियाँ इन के बावजूद आवाम के रिलीफ मिले महंगाई से कंट्रोल क्यों ए आवाम थोड़ा सुकून से साह खे तो तुम इन बजट से नजर वो तो तक लगे कड़ा इकदाम क्या वा कड़ा कदम क्या वा। सबन का पैं दिसो हों तो फेडरल बजट प्रोविंस बजट फेडरल बजट का जो डाइवर्सिफिकेशन जो प्रोविंस के तरफ थे पी तो मोस्टली जो एक आम मानू के लिए जो महंगाई जो तूफान आयल हो उनमें हाँ अचान वाला जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स अज जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो इकोनॉमिक सर्वे दिनों उनमें काफ़ी पॉजिटिवनेस आ तो उम्मीद क्यों था हाँ फेडरल गवर्नमेंट जो वो उपाव वी जो जो इफेक्ट जो डायरेक्टली जो आम कंज्यूमर से आयो आ खास तौर से जो यो बिजली जा रेट उनते को कंट्रोल थी सके असि जीडीपी ग्रोथ जो माइनस मान पॉजिटिव थे 2.38% आए इनता ही इनका सफिशियंट जो बेहतरीन गाल असि एग्रीकल्चर सेक्टर जो उनको ग्रोथ 6.25% आसो रेमिटेंस वाली सूरत जो बिगड़ी पी हुई असो ट्रेड बैलेंस जो वो खराब हो अलहमदुल्ला हाँ काफ़ी बेहतर थी असि एक्सपोर्ट जो वो भी बेहतर थे पी इम्पोर्ट से गवर्नमेंट की जो कुछ रेस्ट्रिक्शंस हुई वो कटल थे ओवरसीज रेमिटेंस जो वो थी तो ये सब शूँ जो गड थी कर हाँ असके ये महसूस एज अ बिजनेस मैन अस महसूस क्यों पाया तो पाकिस्तान बेहर एक दफा जो इकोनॉमिक ड्राइव से जो ना वो शुरू थी चुको है साल भी लगे 2 साल लगन इंशाल्लाह ताला यो जो मुल्क के लिए आम मानू के लिए इनता ही फायदेमंद थी गडो गड उनको डाइवर्सिफिकेशन प्रोविंस के लिए थी डेवलपमेंट फंड मिलता एक तो डायरेक्ट टैक्सेशन में जो आवाम के रिलीफ मिले तो एकड़ो जो प्रोविंस के जो बजट एलोकेशन थी डेवलपमेंट के लिए तो सिंध गवर्नमेंट जो पूरा टास्क यही है तो वध में वध जो अस डेवलपमेंट प्रोग्राम के जो ना जोर दूँ तो जो हिंसर अंडरग्राउंड प्रोजेक्ट्स हैं उनके दूँ ट्रांसपोर्ट से गवर्नमेंट सिंध गवर्नमेंट जो इलाही बेहतरीन किस्म की कम करे पी पूरा स्प्रेड थे पो इंटीरियर सिंध में भी कराची के भी गली गुटन में भी वो नो ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म जो ना वो आयो आ तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद है अचान वाले डीह में तो आवाम के रिलीफ भी मिलो डेवलपमेंट की शक्ल में मानून के जो वो नया प्रोजेक्ट मिलता जो आवाम के लिए इनता ही फायदेमंद हो। बिल्कुल बिल्कुल हसन हसन सिद्दीकी साहब, जी साई जिन गाल कई तो सिंध के तरक्याती मनसूबन लाए विफाक तरफा सब का वधिक रकम यानी 764 अरब रुपया जी वे दिना पा वन तुम समझो तो इन वक्त जी सिंध जहाँ तरक्याती मनसूबा हली रहा है उ मतलब केस तीन
तुम हों ना कि हाँ जी ये नॉर्मल रूटीन यहाँ हुई पर हाँ अगत इन में केतो कम थी सके तो केतो कम कदे हुकूमत के वक्त तीन तुम दिखो आ कड़े कड़े सेक्टर्स में तमाम सुटा कम थे सब का पहली गाल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत आ जडे भी आई है पीपल्स पार्टी हुकूमत वट आवाम की फलाह रहा तमाम घड़ा मनसूबा होंदा है ठीक है इन लाइ यो भी है आम जो शख्स आ शहरी आ वह उम्मीद ही निगाह असि दिसंदा कुछ मसला हल थींदा छो तो सूरत माशी जी ओवरऑल एतरी बेहतर तो ना है पर उम्मीद आ गुज्त जहाँ कम पीपीपी हुकूमत जहाँ जहाँ असूँ था सेहत के हवा से एतरा अस्पताल जहाँ जोड़िया रहा जी मिसाल के तौर पर तुम जो नीपा जो वट आई इन्फेक्शस डिजीज हॉस्पिटल तमाम सुठी सहूलियात बिल्कुल फ्री तमाम सहूलियात हर शहरी लाए उनको मयार पा ऐसी आया मुझे पा जो दौरो मिलो भी आया तो कें भी वे अस्पताल महंगे अस्पताल जो ट्रीटमेंट आते डो तो वे एक तो यो आ सेहत का बी जी गाल क्यों तो सफरी सहूलियात कराची में बस पहले जी बस वेह उठन उठन तमाम घो मुश्किल हो तमाम घना परेशान हुआ शरीर छो तो सफर भी करण मजबूरी भी हुई तमाम घनी परेशानी हुई पर हाँ जो मनसूबा है सिंधु हुकूमत की तरफा रेड बस वाले जो वेही दिसो तो मजो अची इन ही तरह कई मनसूबा है सिंधु हुकूमत जहाँ जो अवाम के रिलीफ ला सामू आया बया भी इंशाला अड़ा मनसूबा जैसे कम हलन कम जारी भी है बाकी विफाक की तरफा जो बजट होंद उन में भी रकम मख्तस की वही है तमाम घनी सूबे के डी वही है उन से भी असा उम्मीद है तो मजीद बेहतरी इंदी आम आदमी आम जो शहरी आम मान के उनमें रिलीफ मिल तमाम घड़ी उम्मीद हैं सही गाल अच्छा यूनुस उमर साहब एक गाल तमाम घड़ी जोर से पे चई वे तो टैक्स नेट आने वधाएजे तदे वही असानी मौशी सूरत हाल बेहतर थी सके थी इलाही बेहतर थी सके थी तो टैक्स नेट के ऐसो किथे वधाएबो किए वधाएबो इनो मेकेनिज्म हुकूमत जोड़ो आ ऐसो टैक्स नेट के लिए गवर्नमेंट पान की कोशिशों करे पी जो हिंदर फिलहाल पानो उपाय वरतो जो मोबाइल फोन के जो नॉन फाइलर के जो मोबाइल फोन जो ब्लॉक करना शुरू किया तो अड़ा कई सेक्टर असा जो इनफॉर्मल सेक्टर बिजनेसमैन जो अजा तीन टैक्सेशन में ना गवर्नमेंट पान की जो कोशिशों पूरी करे पी हाँ फिगर में भी जो इलाही वाजे जो फर्क नजर अचे पो बटी साल पे या पांच साल पैर का अज जो फाइलर की जो क्वांटम जो वो पो वे जो इनमें अनरजिस्टर्ड मानू हैं या ओवर द कंट्री कोई चार पांच मिलियन असा जो शटर पावर या शॉपकीपर्स उन्होंने लगे फेडरल गवर्नमेंट आसान टैक्स स्कीम दिनी है उनमें भी जो निज़ाम जो हल पो जो प्राइवेट सेक्टर के उनके हेड किया तमाम मार्केट में गुजरी डी उनको हेड जो कराची अस विजिट कई लाहौर का कन्विंस कर मांग के बाबा टैक्स नेट में अचो तो फैसिलिटेशन होंगी ताकि डिपार्टमेंट जो इंटरेक्शन घट में घट थे टैक्स नेट में अची कर फैसिलिटेट कर मांग के बो हों तो अस टैक्स नेट में अची वासी तो डिपार्टमेंट अस लगो रो तो वो शो खौफ हो वो खौफ खत्म कर गवर्नमेंट एक प्राइवेट सेक्टर का इंटरटेनमेंट उनके दिनी है उनका विजिट पूरे पाकिस्तान में थन पाया वो टैक्स नेट में असा वाधारे जन चाहूँ अस IMF वगैरह जो वा प्रेशर में उनको सवाल यो भी तो तुम टैक्स बेस जो ना वे को टैक्स नेट को वे पो तो ये गवर्नमेंट की कोशिश इंशाला तौर टैक्स नेट में भी खतर खा अजाब पो वे इनसा इजाजत वह एग्रीकल्चर सेक्टर में एग्रीकल्चर ले वही जबरदस्त किस्म कोशिशों थन पी फेडरल गवर्नमेंट में भी प्रोविंस में भी फेडरल गवर्नमेंट SIFC स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन सेंटर ठहल उनके अंडर जो है GIC ग्रीन इनिशिएटिव कॉर्पोरेशन उनके गवर्नमेंट ऑफ सिंध जो हाँ पिक किया उनमें सोसाइटीज एक्ट के तहत जो रिहायशी स्कीम होंद इन तरह इनके सिंध गवर्नमेंट जो हाँ इनके एग्रीकल्चर में एग्रीकल्चर सोसाइटी एक्ट में उनके उनका रूल्स और रेगुलेशन जो कुछ दिन में अच्छा वाला उनका ब सेक्टर तो जो एग्जिस्टिंग असा एग्रीकल्चरिस्ट हैं वो पान की जो कमिटी ठाए और सोशल वेलफेयर में वो रजिस्टर्ड थी उनके अलावा नवा जो मूँ
वो भी पा एग्रीकल्चर में कमेटी ठाए गवर्नमेंट ऑफ सिंध जो उनके रिकग्नाइज कंदी उनके रजिस्टर कंदी उनजा पो बेनिफिट ये तो उनके बीज उनके बाणा सर्टिफाइड शेयर मिलदी लोन ते मिलदी तो ये इलाही वो इनकलाब थी सके तो पाकिस्तान में जो ग्रीन इनिशिएटिव पाकिस्तान के तौर पर सिंध गवर्नमेंट जो करे शुरू थी चुका है शुरू फेडरल लेवल ते थी चुको है प्रोविंस में भी जो ये कम शुरू थी वो तो एग्रीकल्चर हाँ चुन एग्रीकल्चर टैक्स के लिए एग्रीकल्चर टैक्स उन सूरत में अस अगर एग्रीकल्चर में अस 100 मां अस 70% जो ना वो बेचारा एक नंढा हरियाणा नंढा किसान अठ एकड़ 10 एकड़ 12 एकड़ तो उनके लिए बेचारे पान जो पूरा कौन थी तो सके तो टैक्स नेट बचा ठीक है कॉर्पोरेट सेक्टर में जो वड़ी कंपनियों जो 1000 एकड़ से जो कल्टिवेशन थे थी तो वो कॉर्पोरेट सेक्टर में पानी टैक्सेशन में गवर्नमेंट कें सूरत में उनके जो मैनेज कंदी बहरहाल लोएस्ट लेवल से एक बहुत थे इंशाल्लाह ताला वो कोई सिचुएशन को रियल एस्टेट के भी दिसो रियल एस्टेट भी इनमें शामिल ना है तो रियल एस्टेट के ता समझ रहे तो वाकई में उनके थोड़ा घणो तो शामिल थे टैक्स नेट रियल एस्टेट हां जो काफी शयूं रियल एस्टेट में बेहतर थी हुई रियल एस्टेट जो एक इकोनॉमिक में असो तो रियल एस्टेट ठीक है रियल एस्टेट से 60-70 इकोनॉमी अस गरियल सीमेंट आज प्लास्टिक स्टील आ तो कई इंडस्ट्रियों रियल एस्टेट से गरियल मगर रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट जो ना जगह से स्टकअप थी वी सर्कुलेशन ऑफ इकोनॉमी खपे ठीक है रियल एस्टेट से गडो गड जो ना असा वठा वन प्रोविंस लेवल से फेडरल लेवल से ताकि सर्कुलेशन ऑफ इकोनॉमी गड गड हल्दी रहे उनके लिए बेहतरीन कम असा जो ना एग्रीकल्चर जितना असा एग्रीकल्चर के बूस्ट कदी असि सर्कुलर ऑफ इकोनॉमी जो ना वी नंढड़ी मिसाल हिंसा दींदो तो हल तो हिंसर जो असा पंजाब में खुसूस तौर पर पंजाब में जो कणक वो बोहरान पैदा थे उन कणक के बोहरान से पाकिस्तान जो कई अड़ी इंडस्ट्रियों जो फसल लवी आ हर मू इ खर्च कराने के लिए वो सुनो हों तो वही गाड़ी वो मोटरसाइकिल वो मोबाइल फोन वो हिंसर मार्केट इनता ही कैश थी चुकी है तो छाने तो मूँ कणक लिया पैसा को वही फुट अगली फुटी लिया मूँ पैसा को तो वो जो इकोनॉमिक सर्कुलर जो ना हिंसर थोड़ा ब्रेक थो सही बिल्कुल अच्छा अच्छा नासिर सिद्दीकी साहब जी तो कल एक रिपोर्ट में चाहिए तो महंगाई जो हुकूमत के अंग नखर मुताबिक तमाम घट थी है गुजरियल जो बटे महीना प्रीवियस मंथ में तमाम घनी तो तुम समझो तो हाँ जो इंदर बजट में जो इंटरेस्ट रेट जो घटाया वो उन को चाहता तो महंगाई वी तो तक लगे पो ऐसे जैसे था तो महंगाई घटने जवाब गाल कई महंगाई घटी तो है पर तमाम घने में घटताई को आई है आम मू जो है ना उनते इन तीजा जो असरा कोता समरात को पौता वो इंतजार था कन मजीद जो आशारी असन में अचन था उनके सबब में उनके उन इकदाम के आम आदमी तई आम मानू तई वह असरा पौतन कुछ तो आया कुछ शयू घटी हुई कुछ कीमतों भी घट थी पर वो वाजे जो फर्क है ना वो अजा तक अची चुके बिल्कुल अच्छा यूनुस उमर साहब चव ये महंगाई जी जिन बोतल में बंद भी न पे थे बंद करने की कोशिश भी कई पे वे तो इन के कंट्रोल के लिए वाकई हुकूमत के कड़ा कदम खड़े चाहे वो प्रोविंशियल लेवल से हो या वफाक कोशिश तो बड़े पैमाने से थे भी चाहे प्रोविंशियल लेवल हो या फेडरल लेवल हो बिन्न की जो ना गवर्नमेंट हिंसर स्टेक से लगल फ्यूचर इन स्टेक से लगल आ तो हिंसर अस अगर ये महंगाई के जिन के काबू न कर तो असो पॉलिटिकल जो ग्रोथ वो कौन थी सके इन हर हालत में जो ये कोशिश उन्हें लगी पे तो कें न कें सूरत में आम मानू के असा रिलीफ दूँ IMF जी भी कई कंडीशन अचन थी तो गवर्नमेंट पेरी दिसंदी आ तो इन इफेक्ट जो आम मानू ते नथो पहुंचे तो उन्हें गवर्नमेंट रेजिस्ट कंदी आ नो डाउट हाँ जो सभी शयू जो ना वो महंगाई के सिलसिले दिसो हाँ जी इंटरेस्ट रेट जो हिंसर घट थे असर बिजनेस में उम्मीद कई तो ये 4% जो ये घट थे अच्छा बिजनेस में खुश हैं इन रेट जी घट थे सा जी बिल्कुल खुश देखो ना एकड़ो जो अपवर्ड ट्रेंड हलयो पे हाँ जो जरे सब इंडिकेटर्स ठीक थन स्टेट बैंक जो ना उनके बेस पॉइंट 150 के हेठ कयो आ पर एटलीस्ट असा उम्मीद किया था तो ये घट में घट 4% हो जा कारण देखो ना ये जरे फाइनेंस मिल दो मानू इंडस्ट्री लगाई दो इन्वेस्टमेंट कर दो तो इकोनॉमिक ग्रोथ जो को ना वो बढ़नी भी दी तो फिलहाल जो को ना एकड़ो यो साथ मिलियो के बाबा ये के ब्रेक लगो ही थोड़ा हिट आयो है उम्मीद है अचन वाले बटे महीनन में अजा जो को कुछ बटे परसेंट इन्वेस्टमेंट रेट इंटरेस्ट रेट घट थी तो इन्वेस्टमेंट का मौका
मिलता, इन्वेस्टमेंट का मौका मिलता, मानों के रोजगार मिल दो, रोजगार मिल दो तो मानों जी जो ना लाइफ जो ना अपलिफ्ट थी थी। बिल्कुल हाँ सर, केतरा नाजरीन चवंदा हिन वक्त असा सरकारी मुलाजमन की पगारों में वाधो थी रही है न थी रही है केतरी थी रही है, पेंशनर्स तमाम घना हुआ तो जी उन मतलब उन वी पेंशन इन हवा से खबर हुई इंद्र बजट में ऐसो उम्मीद आता है इन साल भी जो ना गवर्नमेंट जो 10% जो वधाई प्रोविंशियल लेवल से भी फेडरल लेवल से भी पेंशनर के लिए जो IMF जो इलाही वो प्रेशर हो तो पेंशनर जो उनके जो ना इजाफो न कयो या उनके उन कुछ मैकेनिज्म खी अचो तो उत्त भी जो ना गवर्नमेंट रजिस्ट कई है तो कें सूरत में असा पेंशनर जो असि पूरी जिंदगी असा गवर्नमेंट में जो सर्विस कई है उनके असा निग्लेक्ट ना कर सकूँ इकोनॉमिक पोजीशन जो यार महंगाई थी उन हिसाब से उनके लिए भी जो ना एनहांसमेंट जरूरी है जरूरी है। हसन नासी साहब तां ने दस हाना ओवरऑल जदे असा सिंध जी गाल कई से ते माशाल्लाह दिसो ता ट्रांसपोर्ट में भी कम थे पियो, सेहत जे शोबे में भी, एजुकेशन ते ता जे दा असा डिठो भी से ते एजुकेशन लाए तमाम सुठी बजट रखी वई आ ठीक है ना पौना 20 अरब रुपया त एजुकेशन सेक्टर में केड़ा कदम खण गुर्जा अन्या हुकूमत के ते अन्या ज्यादा अप थी वने। बिल्कुल बिल्कुल तुम सही था चाहो एजुकेशन के हवा से तमाम घनी रकम मख्स कई वही है पर इन वक्त जी एजुकेशन की हालत सिंध में आ वो काबिल तारीफ त न चवंदा छो तो कई कई अड़ा इलाका जिते स्कूल भी आन पर उनमें पहले भी थी पीपी की हुकूमत में ये थोड़ा घोस्ट स्कूल हुआ घोस्ट टीचर्स हुआ उनको खात्मो भी कर लाइन में भी आने हुए हाँ कई जगह से बुध भी है डिठो भी है तो स्कूल जो मैार उनके बाकायदा सुठे इंग्लिश लेवल स्कूल लेवल से खी आया कई आन पर हाँ इन में गुंजाइश है पर एकदम तो सब कुछ सही नो आस्ते आस्ते ही जो सब शे लाइन से इंदू पर हुकूमती तरफा जी कोशिश कई वही उम्मीद है कोशिश थन्द इनके मैार मजीद बेहतर उठाया छो तो हाँ भी जो आम मानू भी होंगे ना उनकी कोशिश होंगी है सरकारी स्कूल से बेहतर हो प्राइवेट स्कूल पर यह हुकूमत की सब का वही कामयाबी यहाँ होंगी तो गवर्नमेंट स्कूल के लेवल के लेवल तक हाँ मथो कर वे अस जहाँ सफेद पोष मून वो भी बार प्राइवेट डेन तो बाबा असा के भी जो गवर्नमेंट स्कूल बिल्कुल तमाम घड़ी थोड़ा थी हसन आसिफ सिद्दीकी साहब तमाम जी भी तुम कीमती टाइम कड़ी आया यूनुस उमर साहब तमाम घड़ी थोड़ा थी आया सब का वही गाल हाजिरी है तो सिंध बजट में 50,000 का वधिक नौकरी देण जो ऐलान भी किया वो सब का वधिक नौकरी जो वे स्कूल एजुकेशन खाते में मिलने जो भी इम्कान है तो आई थिंक ये सुठो सोहना सुठो कदम आ अगर वाकई में 50,000 बेरोजगार मानों के नौकरी मिलन थियों ए मेरिट ते डिनी थी वन छो जो मेरिट जो ख्याल रखें वही वही गाल तो हुकूमती इदारन हुकूमती खातन जो कम आ तो मेरिट के नज़र में रखन ए मेरिट के नज़र में रखंदे बाकायदा उ मूँ जिनके जी डिजर्व कन था उनके नौकरी आई होप डी व्यूं ये भी छोजो हाँ इन वक्त जो है सिंध हुकूमत इन गालों पर तमाम घो ध्यान दई रही है तो मेरिट से अचो ए मेरिट से अची करी काबिलियत के बुनियाद से तरक्की करें ही असल कह ये जितना बजट पेश क्या पाया वन वफाकी सूबाई इन सभी जो मकसद ही है तो आवाम के सुकून ए सहूलत वाली जिंदगी मिली इनशाला असा के ींदा इजाज़त अल्लाह ने कबान।